शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है। ऊना के गांव घुसाड़ा के प्राइमरी स्कूल के अध्यापिका ने एक छात्रा द्वारा कॉपी में संडे मंडे के कई स्पेलिंग गलत होने के बावजूद उन पर ठीक के निशान लगा दिए। जब अभिभावक इस मामले को लेकर स्कूल पहुंचे तो अध्यापिका ने गलती मानने के बजाय कहा कि मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी। परिजनों ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया है जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अध्यापिका के साथ साथ शिक्षा विभाग पर भी सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं कि क्या खुद ही अध्यापिका को इन शब्दों की स्पेलिंग नहीं आती है। एक तरफ सरकार और शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में उच्च स्तर की शिक्षा मुहैया करवाने का दावा कर रहे हैं, वहीं सरकार और विभाग के इन दावों की कलई ऊना के ही एक सरकारी स्कूल की अध्यापिका ने खोलकर रख दी है। दरअसल ऊना के गांव घुसाड़ा के प्राइमरी स्कूल डोम की एक अध्यापिका ने पिछले कल छात्रा द्वारा लिखे गए संडे मंडे में वेडनेसडे संडे से लेकर सैटरडे तक गलत शब्दों पर ठीक का निशान लगा दिया। जब छात्रा के परिजनों ने ये गलती देखी तो उन्होंने अध्यापिका से मुलाकात की, लेकिन अध्यापिका ने उन्हें आगे भी ऐसे ही पढ़ाने की बात कह दी। छात्र के पिता ने कहा कि इससे पहले भी अध्यापिका ने गलत शब्दों को ठीक कर दिया था, जिस पर अध्यापिका ने आगे से ऐसी गलती ना होने की बात की थी, लेकिन अब फिर उन्हीं गलतियों को दोहराया जा रहा है। छात्रा के पिता ने कहा कि बच्चे अध्यापकों के पढ़ाई पर ही विश्वास करते हैं, लेकिन अगर अध्यापक ही बच्चों को गलत पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। हाँ सर, मेरी लड़की दूसरी क्लास में पढ़ती है जी, और मैं आज स्कूल में आज भी गया, पहले भी कई बार जा चुका हूँ इसी मिस्टेक के लिए कि मैडम जो भी गलती करती है ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर देती है और उसको ठीक कर देती है, वो बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं वो ठीक कर देती है उसको। और जब मैंने इस बारे में पहले भी कई बार गया और मैडम ने पहले भी बोला, पहले भी गलती रियलाइज़ करके मैडम ने छोड़ दिया, बोले चलो मैं गलती रियलाइज़ करती हूँ, नहीं होता आगे से ऐसा, मैंने कितनी बार बोला। और आज भी जब गया तो बोलो, आज तो वो मेरे साथ झगड़ पड़ी, बोले आपने जो करना आप कर लो। मैंने ठीक है जी, फिर मैडम जब आप हम कर सकते हैं हम करेंगे, जहाँ तक भाई ऐसे तो बच्चों का भविष्य खराब है बिल्कुल, मैडम कोई नहीं पढ़ा रही स्पेलिंग, जैसे बच्चों को बताया जाएगा, शिष्य जैसे गुरु बताएगा वैसे बच्चे लिखेंगे, बच्चे को गलत बता दी तो गलत ही लिखेंगे, भले हम उनको बोलते रहे बच्चों को कि ये गलत है बेटा, वो नहीं मानेंगे क्योंकि मैम ने ये बोल दिया है कि ये ठीक है तो ठीक है, वो उसको ठीक मानेंगे। वहीं अध्यापिका ने अपनी गलती को स्वीकार तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये गलती उनसे कैसे हुई कुछ पता नहीं। अध्यापिका ने कहा कि हो सकता है बच्चे ने ही इसे शुद्ध कर दिया हो। दूसरी कक्षा के बच्चों की जो एक नोटबुक है उसमें गलत स्पेलिंग थे संडे मंडे के, और आपने ठीक कर दिए। हाँ जी सर, वो उसे गलती से हो गया सर। किस तरह से मैडम ये गलती हुई? सर शायद वो पता नहीं है कि बच्चे ने शुद्ध मान लिया, जब मुझसे ही लगी होगी, 3 क्लासेज है, 12 सब्जेक्ट है मेरे पास, तब पता नहीं मेरे को, मैंने पहले गलती मान ली है कि मेरी गलती से हो गया, फिर भी पेरेंट्स जो है वो मिसबिहेव करने लगे मेरे साथ, तब उन्होंने ऐसे वीडियो बनाया। जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि आप स्कूल में जो है वो मोबाइल सुनते रहते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जरूरी अगर मैसेज कोई हमारे ग्रुप का जैसे ऑफिशियली आता है तभी देखते हैं। पेरेंट्स का कहना है कि सिर्फ 6 बच्चे हैं क्लास में, उन पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं सर, 6 बच्चे नहीं, 3 क्लासेज है, 15 बच्चे हैं, नर्सरी क्लास भी है हमारे पास, 4 क्लासेज मेरे पास है। वहीं इस मामले पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक संदीप कुमार ने खंड शिक्षा अधिकारी से जांच करवाने का दावा किया है। उपनिदेशक ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी अभी मेरे ध्यान में ये मामला आया है, तो मैंने टेलीफोनिकली उस स्कूल के हेड टीचर को भी पूछा है, विजय कुमार उसका नाम है, तो अभी हम इंक्वायरी करेंगे और बीओ मैडम को भी बोलेंगे स्कूल में जाओ और वहाँ पर देखो क्या मामला है। तो ये तो गलत बात है, अगर ऐसे ही स्पेलिंग बच्चे की ठीक करते रहे तो बच्चा कैसे सीखेगा, इसके ऊपर अगर ठीक मैडम ने ऐसा जवाब दिया तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे।